नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ दरभंगा की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन, 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला निर्माण हेतु जवाबदेही का निर्धारण हुआ। दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा दरभंगा टावर पर एक दिवसीय धरना। पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया के आवास पर जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव की अध्यक्षता में बैठक। एनआरसी एवं सीएए के खिलाफ मशाल जुलूस कल। छात्र युवाओं द्वारा नेशनल सिनेमा चौक से पोलो मैदान तक निकाला गया मार्च। बस्तवाड़ा में एनआरसी के खिलाफ प्रतिवाद मार्च। हाईवे पथ पर 1584 बोतल शराब के साथ बोलेरो जब्त। सिंहवाड़ा थाना पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोजपा का अनशन सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त। एलएनएमयू सभा भवन में छात्र संघ 2019 से 20 के नव निर्वाचित ऑफिस बियर का शपथ ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जल जीवन हरियाली, नशा मुक्त, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान के प्रति व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2020 को आयोजित की जा रही राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का सफलतापूर्वक निर्माण करने हेतु सभी अधिकारियों कर्मियों को सशक्त भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा अभियान है। इस अभियान से सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, संगठन आदि सभी को जोड़ना होगा। माननीय जन प्रतिनिधियों, निकाय प्रतिनिधियों ने भी मानव श्रृंखला निर्माण में सहयोग लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में राज्य सरकार के इस निर्णय को सभी दलों द्वारा सहमति प्रदान की गई है, इसलिए सभी दलों के प्रतिनिधि मानव श्रृंखला निर्माण में अपने अपने स्तर से सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर भी स्टेक होल्डर के साथ बैठक आयोजित कर मानव श्रृंखला के सफलता क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बना ली जाए। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला क्षेत्र में कुल 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला निर्माण हेतु रूट का निर्धारण कर लिया गया है। इससे NH57 सकड़ी, बेनीपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी इटहर बांध तक कुल 63 किलोमीटर, अलीनगर तारडीहा केथवार कुल तक कुल 17 किलोमीटर, दोनार से सुनकी तक कुल 10 किलोमीटर आदि रूट तैयार कर लिए गए हैं। दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में दरभंगा टावर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय धरना का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। देश की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर अपनी विफलता से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक उन्माद फैला रही है। कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल लाकर इस हिटलर शाही निकम्मी सरकार ने देश के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 का अपमान किया है। आज हम सभी कांग्रेस जनों ने बापू की प्रतिमा के नजदीक बैठकर संकल्प लिया है कि इस सरकार के नापाक इरादे को सफल नहीं होने देंगे। महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अर्चना देवी ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, किसानों की बदहाल जैसी कई ज्वलंत समस्याओं को दबाने के लिए देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आग लगा रही है। धरना को संबोधित करने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल हादी सिद्दीकी, शंभुनाथ चौधरी उर्फ पालन, अखिलेश कुमार चौधरी, रमन झा, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अर्चना देवी, महिला सेवा दल उपाध्यक्ष दुर्गा रानी मुखर्जी, मनोज भारती आदि मौजूद थे।
नागरिकता संशोधन बिल एवं एनआरसी के खिलाफ बिहार प्रदेश राजद द्वारा 21 दिसंबर 2019 को आयोजित बिहार बंद की सफलता हेतु बंगलागढ़ स्थित पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया के आवास पर महागठबंधन के प्रमुख साथियों एवं प्रखंड अध्यक्षों की बैठक जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में प्रदेश राजद द्वारा निर्देशित आंदोलन के कार्यक्रम के अनुरूप दिनांक 18/12/2019 को जनसंपर्क किया जाएगा तथा 19/12/2019 को विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा तथा 20/12/2019 को संध्या को मशाल जुलूस प्रखंड से लेकर जिला के प्रमुख जगहों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वक्ताओं ने कहा है कि देश को विभाजनकारी एवं असंवैधानिक काला कानून के खिलाफ यह आंदोलन स्वयं सफूत है। 21 तारीख का बिहार बंद ऐतिहासिक होगा। पूरे जिले में प्रत्येक चौक चौराहे पर बंदी का असर रहेगा जिसकी व्यापक तैयारी की गई है। भारत सरकार के द्वारा लाए जा रहे काला कानून एनआरसी एवं सीएए के विरोध में पूर्व पार्षद वे समाज सेवी नफीसुल हक रिंकू के आवास पर दरभंगा जिला के समाज सेवी शिक्षित कार्यकर्ता गण संविधान एवं भारत देश के प्रेम करने वाले नागरिकों को एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर शकील खलीक ने की। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए एनआरसी एवं सीएए भारत के लिए काला कानून है। हम सभी लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। इस कानून के आने के बाद पूरे भारत में संविधान के सच्चे प्रेमी करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इस कड़ी में दरभंगा प्रमंडल में भी 19 दिसंबर को मदरसा हमीदिया किला घाट से शाम के 5 बजे मशाल जुलूस निकाला जा रहा है एवं 23 दिसंबर को इसी मैदान से विशाल जुलूस का प्रदर्शन किया जाएगा। यह मशाल जुलूस एवं प्रदर्शन संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान दरभंगा के बैनर तले निकाला जाएगा। आज के बैठक में पूर्व महापौर एडवोकेट मुमताज आलम, पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी, अंजुमन खुदाए मिल्लत सचिव सरफे आलम तमन्ना, शहर काजी मौलाना अरशद रहमान, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी सचिव रुस्तम कुरैसी, इंसाफ मंच प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, अफताब अशरफ, मोहम्मद उमर, सैयद अख्तर आदि मौजूद थे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज दरभंगा में नेशनल सिनेमा चौक से पोलो मैदान तक सैकड़ों की संख्या में छात्र युवाओं का मार्च हुआ। मार्च नेशनल सिनेमा से रहमगंज नाका 6 दारूबट्टी चौक कमर्शियल चौक लहरिया सराय टावर होते हुए पोलो मैदान में सभा में जाकर तब्दील हो गया। मार्च में एनआरसी सीएए नहीं चलेगी, एनआरसी सीएए कानून वापस लो, मोदी शाह मुर्दाबाद, मोदी शाह होश में आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई आदि नारे लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रबल विरोध के बावजूद नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन गया है। यह पूरी तरह से हमारी नागरिकता पर हमला है। अल्पसंख्यकों को खास करके निशाना बनाया गया है। लोगों से अब अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। मोदी अमित शाह सरकार का नागरिकता संशोधन कानून वे एनआरसी पूरी तरह संविधान की मौलिक संरचना पर तथा आजादी के आंदोलन के संपूर्ण मूल्यवादों के खिलाफ है। आज पूरे देश में इसका तीखा प्रतिवाद हो रहा है। विगत कई दिनों से पूर्वोत्तर के राज्यों में आंदोलन जारी है। दुर्भाग्य यह है कि आंदोलनकारियों को बड़बड़ी मिलिट्री दमन का सामना करना पड़ रहा है। असम में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वाम दलों ने मिलिट्री दमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पूर्वोत्तर के इलाके में कर्फ्यू की स्थिति बेहद चिंताजनक है। मोदी शाह ने पूरे देश को धधकती ज्वाला में झोंक दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश में नारेबाजी, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में बस्तवाड़ा मदरसा इस्लाम उल मुसलमीन में बुधवार को आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया।
केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर 23 दिसंबर को कीला घाट मदरसे में एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। मौके पर मौलाना कारी कमरे आलम ने कहा, संविधान की मूल भावना के खिलाफ एनआरसी देश के लिए काला कानून है। भारतीय संविधान की मूल आत्मा धर्म निरपेक्षता है। नागरिकता देना और किसी से छीन लेना संविधान की विचारधारा के साथ खिलवाड़ है। एनआरसीसी और सीए के चलते अब सभी को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। सीएए के माध्यम से पहली बार देश में धर्म की बुनियाद पर नागरिकता तय होगी। सरकार मुसलमान को सीधा निशाना बना रही है। मौलाना शमसुल हक ने कहा कि असम में एनआरसी का नतीजा सब लोग देख चुके हैं। वहां 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए हैं, जिसमें अधिकांश हिंदू धर्म के हैं। एक तरफ भाजपा कहती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए और दूसरी तरफ वह धर्म के हिसाब से कानून ला रही है। सिमरी थाना की पुलिस ने मंगलवार की रात NH-57 पथ के बिठौली पुल के समीप बोलेरो गाड़ी के साथ 33 कार्टून में 1584 बोतल अवैध शराब जब्त किया है। थाना अध्यक्ष हरि किशोर यादव ने बताया कि हाईवे पथ पर रात्रि गश्ती के दौरान तेज आवाज की सूचना पर बिठौली चौक पहुंचे तो बोलेरो BR06G2703 का पीछा चक्का का टायर फट जाने के कारण गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। गाड़ी का सत्यापन करने के बाद सीट वे डिक्की से अरुणाचल निर्मित बॉम्बे सुपर विस्की 180 ml की 1584 बोतल शराब बरामद किया गया है। बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त बोलेरो के चालक वे ऑनर के खिलाफ कांड संख्या 231/19 अंकित कर आरोपी की तलाश की जा रही है। DTO को प्रतिवेदन भेजकर गाड़ी के मालिक का पता किया जा रहा है। सिंहवाड़ा थाना पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोजपा का अनशन सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त। सिंहवाड़ा थाना की पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड कार्यालय पर आज बुधवार को अनशन किया। लोजपा प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश झा का कहना था कि अपने दरवाजे से 13 दिसंबर की रात बाइक चोरी होने की घटना की सूचना मोबाइल से थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव को दी गई थी। मुझे अपमानित वे दुर्व्यवहार के साथ बातचीत की। इस घटना से आहत आज बुधवार को सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। थाना अध्यक्ष को निलंबित करने वाले मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ वरीय पुलिस अधिकारी पदाधिकारी से शिकायत कर कहा कि एक माह के अंदर सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के आधे दर्जन से अधिक बाइक की चोरी की घटना मामले का उद्भेदन पुलिस ने नहीं किया। चोरी मामले में सिन्हा दर्ज की खानापूर्ति की गई है। आरोप था कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ थाना अध्यक्ष का इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आम जनता के साथ व्यवहार कैसा होगा। उधर अनशनकारी ने थाना अध्यक्ष द्वारा खेत प्रकट करने पर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। मौके पर जिला लोजपा उपाध्यक्ष नागेंद्र चौधरी, मुखिया सुधीर कांत मिश्र, जय चंद्र मिश्र आदि मौजूद थे। आज विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभा भवन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ 2019-20 के नव निर्वाचित अध्यक्ष आलोक कुमार, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार, महासचिव प्रीति कुमारी, संयुक्त सचिव अमृत कुमार एवं कोषाध्यक्ष नीतीश कुमार सिंह को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के उपरांत खचाखच भरी सभा भवन में कुलपति प्रोफेसर सिंह ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए, इसलिए उनके हित का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है, किंतु छात्र छात्राओं को भी अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए। वैसे छात्र शिक्षक अपने बारे में सोचने का स्पेस नहीं देते। विश्वविद्यालय हमारी मातृ संस्था है और इसे मातृ ऋण से छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होना ही चाहिए। कुलपति ने आगे कहा कि युवाओं में जोश तो है पर अनुशासन की कमी है।
मत भिन्नताएं हो सकती है, पर संवाद जारी रहना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह ने नव निर्वाचित ऑफिस बियर को बधाई देते हुए शिक्षा के गुणात्मक विकास में सहयोग की अपील की तथा सभी छात्र संगठनों छात्र छात्राओं को शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोग देने हेतु धन्यवाद दिया। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।